आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक नवा अध्याय वचन 1-13। तब एलिशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। येहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इसराइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का, जो इजबेल ने बहाया, बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इसराइल में के क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहियाह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजबेल को यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब येहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है वह बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वह कौन है और उससे क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह है, यहोवा यूं कहता है कि मैं इसराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगी फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है।